लिखा है, मसीह के वचन तुम्हारे हृदय में अधिकाई से बसने दो। कुलुसियों अध्याय 3:16 में मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हमें मसीह के वचन हमारे हृदय में बसाना चाहिए ताकि हमारे सामने जब भी शैतान समस्या को लाए हम वचन को अंगीकार करें और हमारे जीवन से शैतान को भगाएं। जब हम देखते हैं यीशु मसीह की 40 दिन और रात के उपवास खत्म होने के बाद शैतान परीक्षा करने आया था और यीशु मसीह वचन बोल के शैतान को भगाए थे। इसीलिए आज हमारे हृदय में वचन को अधिकाई से बसने देना है। और भी हम जानते हैं कि वचन एक बीज के समान है। एक इंसान जब पेड़ के बीज को ले जाके वो जमीन पे बोता है, वो बीज धीरे धीरे उगता है और एक पेड़ बनता है। पेड़ में पत्ते आते हैं और फल आते हैं। ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह के वचन हमारे हृदय में जब अधिकाई से बसेगा, वो वचन हमारे जीवन में धीरे धीरे उगने लगेगा और पेड़ बनेगा। पेड़ में पत्ते आएंगे और पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में दिखाई देगा। इसीलिए आज हमें अधिकाई से परमेश्वर की वचन को हमारे हृदय में रखना चाहिए। और भी हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो दोधारी तलवार से भी चौखा है। वो मन, आत्मा और गुदे गुदे को अलग करता है। ठीक उसी तरह जैसे एक तलवार इंसान की सर को उसकी शरीर से अलग करता है, ठीक उसी तरह परमेश्वर का वचन भी हमारे जीवन में जब कार्य करने लगता है तो हमें संसार से अलग करता है, पाप से अलग करके धार्मिकता के जीवन के लिए तैयार करता है, संसार से अलग करके परमेश्वर की करीब जाने के लिए हमें वचन मदद करता है। और भी हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आग के समान है। एक इंसान को सोने को अगर परखना हो तो वो इंसान वो सोना को आग में डालता है और दधकता हुआ आग में जब सोना डाला जाता है तो उसमें जितना भी मेल होता है वो सारा मेल चला जाता है। ठीक उसी तरह परमेश्वर का वचन का आग जब हमारे अंदर चलेगा, पवित्र आत्मा का आग जब हमारे अंदर चलेगा तो हमारे जीवन का जो भी पाप है वो सारा पाप धुल जाएगा और हम ये परमेश्वर के करीब और भी जाने लगते हैं। वचन जो है वो हमें आत्मिक जीवन में और भी अधिकाई से बढ़ने के लिए मदद करता है। और भी हम देखते हैं कि जो वचन है वो वचन हमारे आत्मा के लिए रोटी है, हमारे आत्मा के लिए जीवन का जल है। इसीलिए वचन को हमें अधिकाई से हमारे हृदय में बसाना चाहिए। हर रोज वचन को हमें भजन करना चाहिए। जैसे एक इंसान शारीरिक रूप में जिंदा रहने के लिए रोटी और खाना खाता है, ठीक उसी तरह हमें भी आत्मा में जीवन रहने के लिए ये यीशु मसीह का जो वचन है उस वचन को अधिकाई से भजन करना है और हमारे हृदय में उसे बसा के रखना है। तब जाके वचन हमारे जीवन में काम करेगा और हम यीशु मसीह के बताए गए मार्ग पे चलेंगे और परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। इस वचन से प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आमीन।